शिक्षकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अगस्त 2021 से प्रदेश के सभी शिक्षक ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं निष्ठा और दीक्षा ऐप के माध्यम से। प्रशिक्षण प्राप्त करने में उन्हें कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि कुछ हमारे शिक्षक साथी हैं जिनके कोर्स 97% या 98% दिखा रहा है और अविरत या ऑनगोइंग शो हो रहा है। वे जो उनकी प्रश्नोत्तरी है उससे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, प्रश्नोत्तरी में एक अटेम्प्ट उनका हो पा रहा है, उससे आगे वो नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ हमारे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने तीनों अटेम्प्ट कर लिए और उनके मार्क्स 70% से कम आए, तो वो कैसे दोबारा सर्टिफिकेट प्राप्त करें, ये एक समस्या है। तो इसका भी सोल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। इसके साथ साथ हमारे कुछ और शिक्षक साथी हैं जिनके सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पा रहे हैं कोर्स 100% पूर्ण होने पर भी, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है कि कैसे वो अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। और अंत में मैं ये और बताना चाहूँगा कि जो हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जिनके फोन 2 या 3 साल पुराने हैं, तो उनमें स्टोरेज और मेमोरी थोड़ी कम होती है, तो जब हम दीक्षा ऐप में आने वाले समय में और अधिक मॉड्यूल करेंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, तब हमारे लिए यह समस्या आएगी कि हम कैसे इन कोर्स को करें, क्योंकि इन कोर्स को करने के लिए दीक्षा ऐप कुछ मेमोरी अपने पास स्टोर में रख लेता है, और उस मेमोरी के कारण क्या होता है कि अनेबल टू लोड द कंटेंट जैसे मैसेज आते हैं या कुछ कोर्स आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये सारा जो टेक्निकल समस्या है ये मेमोरी कम होने के कारण और स्टोरेज कम होने के कारण होती है। जिन शिक्षक साथियों के पास नए स्मार्टफोन है उनमें समस्या कम आती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी सभी समस्याओं का हल मेरे को लगता है इस वीडियो के माध्यम से लगभग हो जाएगा। और इससे पूर्व भी मैंने कुछ वीडियो आप लोगों को शेयर किए थे, और आने वाले समय में कई नए प्रकार की समस्या आएंगी या कुछ कोर्स करने में किसी शिक्षक को दिक्कत आएगी, तो उससे संबंधित मैं आगे भी वीडियो आप लोगों को शेयर करूंगा। तो आप अब इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और आपकी जो भी समस्या है उसको इस वीडियो के माध्यम से हल करने का प्रयास करें। जो सबसे पहली समस्या आ रही है हमारे शिक्षक साथियों की, जब दीक्षा में ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं तो कुछ कोर्स उनके पूर्ण दिखा रहे हैं, जिस कोर्स में पूर्ण आ जा रहा है उनमें उनके सर्टिफिकेट जनरेट हो रहे हैं, लेकिन कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनमें अविरत आ रहा है। जैसे यहाँ पे उदाहरण है 2 नंबर का कोर्स और यहाँ पे एक उदाहरण है 3 नंबर का कोर्स, आप देख रहे हैं इसमें अविरत लिखा हुआ आ रहा है, जबकि ये कोर्स पूरे कर लिए गए उसके बाद भी इसमें अविरत आ रहा है, जिसको ऑनगोइंग बोला जाता है। और इससे पूर्व जो कोर्स किया गया था सेकेंडरी 1 पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा, इसमें देखिए आप सर्टिफिकेट जनरेट हो रहा है और इसके सामने मैसेज आ रहा है पूर्ण। तो ये एक समस्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इन दोनों कोर्सों कोर्स 2 और कोर्स 3 में ऐसा किया हुआ कि इसमें अविरत लिखा आ रहा है और इसके बगल में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है सर्टिफिकेट जनरेट होने का। तो हम सबसे पहले इस समस्या को समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो पहला मैं उदाहरण ले लेता हूँ कोर्स 2 का कि इसमें ऐसा क्यों हुआ, जबकि इसमें आप देख रहे कि 97 कोर्स को पूर्ण दिखा रहा है यहाँ पर, लेकिन जबकि हमने सारे मॉड्यूल इसमें कर लिए हैं, इस कोर्स में आप देख रहे सभी कोर्स मॉड्यूल के आगे राइट का निशान आ रहा है और ग्रीन लाइन आ रही है, लेकिन एक मॉड्यूल ऐसा है जैसे मूल्यांकन, इसमें आप देख रहे हैं ना तो ग्रीन लाइन आ रहा है और ना ही यहाँ पर कहीं राइट का निशान है, जबकि इसमें 20 में से 17 अंक आए हैं और पहले अटेम्प्ट पे आए हैं, और इसके सामने एक मैसेज है जो छोटा सा आपको सामने आ रहा है 0/1, ये पूर्ण दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे 1/1 आना चाहिए था क्योंकि पहला अटेम्प्ट है, हमने पहला अटेम्प्ट इसको किया। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि मार्क्स ज्यादा आने के बाद भी इसको इसने क्लियर नहीं किया, ये टेक्निकल इश्यू है। और जब भी हम इससे बाहर आते हैं तो एक मैसेज आ जाता है कि आपने मूल्यांकन प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम प्रयास पूरे कर लिए हैं, जबकि ऐसा नहीं था, पहले अटेम्प्ट में 17 मार्क्स आ गए थे, तो ये पूर्ण होना चाहिए था कोर्स, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण ये नहीं हो पाया। इसी प्रकार एक और समस्या का हम उदाहरण लेंगे कि उसमें भी ये इस प्रकार की समस्या आई थी कोर्स नंबर 3 पर,
तो कोर्स नंबर थ्री जैसे इसमें अविरत दिखा रहा है, ये क्यों आया ऐसे? इसमें जब ने मैं इस कोर्स को किया तो आप देख रहे हैं इसमें 98% पूर्ण यहाँ पे दिखा रहा है कोर्स को। और जितने भी इसके अंदर हम मॉड्यूल हैं सब ग्रीन आ रहे हैं और सब में राइट निशान आ रखा है यहाँ पर। केवल इसमें भी वही समस्या आ रही है कि जो मूल्यांकन का मॉड्यूल है वहां पे देखिए आप, यहाँ पे ग्रीन लाइन शो नहीं हो रही है और ना ही यहाँ पे पूर्ण आ रहा लिखा हुआ, जबकि इसमें पहले अटेम्प्ट में 20 में से 13 मार्क्स आए थे और ये पहले अटेम्प्ट था और यहाँ पर 0/1 आ रहा है। और ये तकनीकी कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण ये हो रहा है, जबकि पहले अटेम्प्ट के बाद आदमी मतलब कोई भी व्यक्ति दूसरा अटेम्प्ट का प्रयास करता है तो पहले अटेम्प्ट के बाद ही दूसरा प्रयास इसमें हो नहीं पा रहा है। जैसे हम इसको क्लिक कर रहे हैं और बल्कि नीचे मोबाइल में मैसेज आ रहा है कि आपने मूल्यांकन प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम प्रयास कर लिए हैं, जबकि पहले ही प्रयास किया गया था। तो ये एक तकनीकी समस्या है। तो हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं उनके सामने समस्या आ रही है कि उनके एक तो ये प्रयास ठीक प्रकार से हो नहीं पा रहे हैं और वो ऐसा क्या करें कि वो तीन प्रयास करके अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें जिनसे उनको सर्टिफिकेट प्राप्त हो और उनका कोर्स अविरत के स्थान पर पूर्ण दिखाए। तो इसके लिए एक मैं आपको इस पर मार्गदर्शन दूंगा कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि ऐड यूजर करने से आप दोबारा अपने को ऑनलाइन कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और दोबारा से जो अटेम्प्ट आपके तीनों खराब हो गए थे जिनमें आपके कम नंबर आए थे, सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पाए थे, तो उन कोर्स को आप दोबारा कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप ये तीन डॉट देख रहे हैं, इन तीन डॉट में हम जाएंगे और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि जो मेरा पहला का जो प्रोफाइल था गार्गी नेगी के नाम से, और इसमें इसके अंदर रहते हुए मैंने जो कोर्स किया था उसमें मेरे तीन अटेम्प्ट खराब हो गए थे। तो अब हम ऐड यूज़र में जाएंगे और एक और अपने नाम से एक और यूज़र आईडी बना लेंगे। यहाँ पे जैसे मैं ऐड यूज़र में जा रहा हूँ ये पूछ रहा है कि नेम, तो यहाँ पे मैं वही नाम लिख लूँगा जैसे अभी लिखा था गार्गी नेगी, या आप कोई दूसरा भी नाम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया गार्गी नेगी और यहाँ पे जैसे मैं 2 डाल देता हूँ ताकि मेरे को याद रहे ये कौन सा वाला मेरा प्रोफाइल है। और जैसे मैं ऐड यूज़र करूँगा तो आप देखेंगे कि अब मेरा वो प्रोफाइल बन चुका है। अब मैं उसको देखता हूँ, यहाँ पर जाके चेक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है आपको सामने ये गार्गी नेगी 2, ये एक और मेरा प्रोफाइल बन गया। अब इसको जैसे ही मैं ओपन करूँगा गार्गी नेगी 2, तो ये पूरा का पूरा जैसे नए कोई आप सबसे पहले दीक्षा में अपने को रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी तरह आपको सारा रजिस्ट्रेशन इसमें करना होगा। तो आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए, फिर कंटिन्यू में कर लीजिए। इसके बाद फिर आप अपनी प्रोफाइल यहाँ पे आप देख रहे हैं गार्गी नेगी, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा गार्गी नेगी 2, ये आपका इस आईडी में आप अब काम करेंगे। तो यहाँ पर जाकर आप इसको एडिट कर सकते हैं, एडिट करके आप यहाँ पे सब कुछ लिख सकते हैं जैसे टीचर्स का नाम उत्तराखंड हरिद्वार, ब्लॉक लिख सकते हैं आप कौन से ब्लॉक के, जैसे बादराबाद हमने लिख लिया फिर सबमिट कर लिया। क्लस्टर आप कौन सा लिखना चाहते हैं, तो अगर हम अलग लेंगे तो अलग आ जाएगा, तो हम जैसे इसमें बादराबाद 1 लिख दिया हमने, और स्कूल हम कोई दूसरा चुन लें तो जैसे हमने पहले ये लिखा था हम भी वो दोबारा वही ले लेते हैं। तो ये हो गया, हम इसको सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली आ गया। यहाँ पर आप दोबारा प्रोफाइल में देखेंगे तो ये पूरा आ गया नाम। अब यहाँ पर जाके हमें कोर्स करने हैं क्योंकि हमारे जो अटेम्प्ट खराब हो गए थे हम उसको दोबारा यहाँ पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे हम, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोर्स आ जाएंगे। सपोज मेरा ये वाला कोर्स खराब हुआ था, इसमें मेरे तीनों अटेम्प्ट खराब हो गए थे जिसके कारण सर्टिफिकेट नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे आके मैं इसको क्लिक करूँगा और आप देखेंगे यहाँ पे आएगा ज्वाइन कोर्स। जैसे मैं ज्वाइन में जाऊँगा तो आप देखेंगे ये कोर्स यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे एग्री आ रहा, मैं एग्री करूँगा और यहाँ पे शेयर करके इसको कर दूंगा इस तरह। तो ये कोर्स मेरा ओपन हो गया। अब मैं यहाँ से अपने सारे कोर्स कर सकता हूँ। ये मूल्यांकन दोबारा आ गया, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तरी आ गया, तो यहाँ से मैं प्रश्नोत्तरी जाके दोबारा कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं प्ले करा, अब मेरे पास 3 अटेम्प्ट और मिल गए हैं मुझे जो मैं आसानी से यहाँ पर
कर सकता हूँ। देखो ये प्रश्न उत्तरी खुल गई है। तो इसी प्रकार आप लोग जिनके भी अटेम्प्ट खराब हो गए, जिनके सर्टिफिकेट नहीं आ रहे हैं, वो यहाँ पर जाकर दोबारा से अपना प्रयास कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब हम दीक्षा ऐप को खोलते हैं और जब हम बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं तो एक समस्या आती है कि हमारे कंटेंट डाउनलोड नहीं हो पाते हैं। उसका कारण क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने देखा ये प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल के बगल में ये जो आपको एरो वाला नीचे दिखाई दे रहा है डाउनलोड की है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे कि दीक्षा द्वारा जो स्पेस लिया गया वो मेरा है 99.562 MB स्पेस दीक्षा ने लिया है और अवेलेबल मेमोरी जो मेरे फ़ोन में है 49.33 GB। क्योंकि मेरा फ़ोन एडवांस है 120 GB इसकी इंटरनल स्टोरेज है इसलिए मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो हमारे कुछ शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनके फ़ोन पुराने हैं, 2 साल पुराने, 2.5 साल या 3 साल पुराने, उनका स्पेस बहुत कम होता है फ़ोन में, जिसके कारण दीक्षा ऐप जब भी आप उसमें ऑनलाइन कोर्सेज करोगे तो कुछ ना कुछ मेमोरी लेगा। तो उससे क्या होगा कि जब आप इसमें मॉड्यूल करेंगे तब कुछ कंटेंट अपलोड नहीं हो पाएंगे या कुछ कंटेंट खुल नहीं पाएंगे, तो ऐसे में कई प्रकार की प्रॉब्लम आएगी। तो इन सब को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय कि आप एक एक करके ये जितने भी ऐप हैं, जितने भी कोर्स आपने इस ऐप में किए हैं, उन्हें आप यहाँ से हटा दें। इसको हटाने से आप देखेंगे कि जो आपका स्पेस जो दीक्षा ने लिया है वो कम हो जाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा कि हमने 5 कोर्स किए, 3 कोर्स तो हमारे यही वाले थे और उसके बाद हमारे 2 कोर्स और आ गए थे, COVID-19 वाला और आपका एक्शन रिसर्च वाला। 3 कोर्स के बाद एक्शन रिसर्च और COVID-19, इससे पूर्व भी मैंने कई सारे कोर्स किए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि मेरे बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पे दीक्षा ऐप ले रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर मैं कुछ या इसमें से ट्रेनिंग मॉड्यूल हटा देता हूँ तो मेरा जो मेमोरी है वो यहाँ पे दीक्षा ने जो मेमोरी ले रखी है वो कम हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे आप हटाता हूँ कुछ कोर्स को, जैसे मैं एक इस कोर्स को हटाता हूँ और ये वाला हटा देता हूँ साइबर हाइजीन्स वाला, और ये वाला हटा देता हूँ दूसरा इकोनॉमिक्स वाला कोर्स यहाँ पे हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो आप देखेंगे ये बोल रहा है डिलीट करें, मैं कहता हूँ यस, तो मैंने ये डिलीट कर दिया। 4 मॉड्यूल मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये 4 मैंने मॉड्यूल डिलीट करे। अब यहाँ पे आप मेमोरी चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेमोरी पहले 99.9 थी, अब 94.03 MB हो गई है, तो पहले से मेमोरी कम हो गई है। इस प्रकार आप और भी कोर्सेज को धीरे धीरे हटाएंगे क्योंकि अगले महीने फिर 3 नए कोर्स आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपको 13 कोर्स करने और बीच बीच में और भी कोर्स करने को दिया जा सकता है, जिसके कारण बहुत सारी मेमोरी इसमें खर्च होगी। तो इन्हीं मेमोरी को कम करने से क्या होगा कि आपका दीक्षा में जो भी प्रशिक्षण करेंगे वो स्मूथ ढंग से रन होगा, आपको कोई भी कंटेंट को अपलोड करने में, डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसके साथ साथ आप कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया अभी, जो महत्वपूर्ण बात बताई, ये वह आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनके पुराने फ़ोन हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी मेमोरी कम होती है। अंत में मैं यही कहूँगा कि यह जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई इसका प्रयोग केवल वही शिक्षक साथी करें जिनको ऑनलाइन प्रशिक्षण करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, जैसे उनके कोर्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या उनका कंटेंट अपलोड नहीं हो पा रहा है या अनेबल टू लोड द कंटेंट जैसे मैसेज आ रहे हैं। तो ये समस्या इसलिए आती है कि उनके फ़ोन में मेमोरी कम है, स्पेस कम है, क्योंकि दीक्षा ऐप द्वारा काफ़ी बड़ी मात्रा में स्पेस लिया जाता है। लेकिन जिन शिक्षक साथियों के पास एडवांस फ़ोन है या स्टोरेज उनकी ज़्यादा है तो उनके साथ कोई समस्या नहीं आती है, तो उन्हें अपने जो प्रशिक्षण मॉड्यूल हैं इन्हें डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा। आने वाले समय में किसी प्रकार की अगर कोई तकनीकी दिक्कत हमारे शिक्षक साथियों को आएगी तो उसे दूर करने के लिए मैं इसी तरह आपको वीडियो प्रेषित करता रहूँगा।
तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।